गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाड लो? और सुंदर लग रहा हूँ लेकिन आया नहीं क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है और अंदर ठंड घुस गई है, मतलब जम सी गई है, क्योंकि रात को इतना तगड़ा तूफान सा चल रहा था कि टेंट उड़ने वाला था क्यों भाई प्रभजोत? बहुत तगड़े वाला, बहुत ज़्यादा। ये थोड़े देर पहले कपड़े लिया है उतार के, वरना वो उड़ जाते भाई पतंग की तरह। पतंग जा रही है बिना बिन पतंग डोर की पतंग और वो छोटा सा पर्दा देख रहे हैं, उसके अंदर से वॉशरूम टॉयलेट है। सो खुजली हो रही है। मैं अब दिखाता हूँ आपको टेंट बाहर से और बाइकें दिखाता हूँ, और आज मेरे को चैन भी साफ करनी है। तो ये देखो बाहर से, ये अलग अलग टेंट है। ये तो एक टेंट, ये भी एक टेंट है। नज़ारे कुछ यहाँ के कुछ ऐसे हैं। सूखे बेजान से पहाड़ों में हम दो भाई यहाँ हैं। चलो चैन मैन साफ कर लेता हूँ मैं, लगेज बांधना क्या सिखाना, और ब्रेकफास्ट तो हम करते ही नहीं कभी और मिलते हैं बाइक पे, लेट्स गो। सो हमारे होटल से निकलते ही रास्ता है दो पीठ वाले ऊंट का मतलब डेजर्ट में राइड करना चाहता है, पर जो देखते हैं करता है कि नहीं करता। राजस्थान में एक पीठ वाला ऊंट होता है, यहाँ दो पीठ वाले ऊंट है। सो यूनिक चीज़ है ये, तो आपको दिखानी है। वो सामने एटीवी भी खड़ी है। इस बार की वीडियोस मैंने इंफॉर्मेशन वाली बना दी। ये एटीवी यहाँ पे मजे लेने हो तो डेजर्ट के, मैं अपनी बाइक निकाल सकता हूँ डेजर्ट में, हवा कम करके घुसा सकता हूँ। लेकिन चक्कर क्या है, मेरी जो बाइक की चैन है मैंने अभी अभी वॉश की है डीजल से, वो सारा डस्ट है ना वो सारा यही ले लेगी, इसलिए मैं ऐसे पंगे लेना नहीं चाहता, वरना मेरा बहुत ज़्यादा मन था कसम से, बहुत ज़्यादा। हम तो बाइक पर जाना पसंद करते हैं हर जगह, हमें मजा नहीं आता बिना बाइक के। कैसे हो लाडलो? यहाँ के डेजर्ट के घोड़े ऐसे हैं, मतलब ऊंट, पर अपने जानू दूर तक आई है वो कपाला पैदल पैदल आ रहा है। पता नहीं एडवेंचर का शौक उसका अब कैसे खत्म हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो छोटे से फट्टे पे से ले आया। और दिखाता हूँ आपको ध्यान से, दो पीठ वाले मुझे नहीं पता ये काट भी सकता है, तो इसलिए पंगे नहीं ले रहा क्योंकि ऊंट काटता है, याद रखना। सो हमारे कपाले का कहना है कि वहां उसको मना कर दिया आने से, और मेरे को हाँ वही ना, और मेरे को मना करने से पहले ही मैं यहाँ तक तो पहुंच ही गया था कह रहे हाँ। उसको भी बुलाओ, मैंने लग भाई जाके बुला ले नंबर तो मिलते नहीं, मैं आधे घंटे बाद वहां पहुंचूंगा, तू जाके बुला ले उसे तो कपाला का कहना है कि मैं इसको वीडियो इसकी वीडियो बनाऊंगा और ये मुझे काटेगा और ये वीडियो बनाएगा, ट्राई करें किधर से लग रहा है कि ये नहीं काटेगा। इधर से मैं दूर भाग सकता हूँ जल्दी। वाह मजा आ गया भाई। Bye.
सो अब प्रभजोत वहाँ राइड करके आएगा। सारा का सारा यही डेजर्ट है और देखते हैं अभी तीन तीन वाटर क्रॉसिंग आनी है पेंगोंग तक। सो ये जो सारा डेजर्ट दिख रहा है ना आपको, दरअसल रियलिटी में ये है रेती जो हमारी नदियों के साथ बह के आती है पहाड़ों से। सो ये रेती है, डेजर्ट के टाइप्स ये भी होती है, मिट्टी की तरह होती है ये भी। सो इसमें भी वही फील आती है जैसा राजस्थान के मिट्टी में आती है। अभी थोड़ी देर में पेट्रोल पंप आएगा जो एक हैंडल से चलता था पहले, अब इलेक्ट्रिसिटी भी है। और वह पीछे कह रहा था कि अभी वो हैंडल वाला मशीन है उसके पास पेट्रोल पंप की, तो देखते हैं जाके ही पता लगेगा। सो ये आ गया वो पेट्रोल पंप जहाँ हैंडल से भरा जाता है। और इलेक्ट्रिक सिटी इलेक्ट्रिक वाला भी है। पेट्रोल नहीं है अब कहाँ मिलेगा? ले में मिलेगा, पेंगोंग में भी नहीं है। हो गया काम, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चक्कर ये नहीं है कि मेरे को पेट्रोल महंगा मिलेगा, चक्कर ये है कि उनको क्या फर्क पड़ता है बोतल साफ हो या ना हो। पता नहीं कैसे पेट्रोल रखा हुआ होगा जो बाइक को दिक्कत दे, ऐसा पेट्रोल भी हो सकता है उनके पास। कैमरा मैं बहुत कम इसलिए ऑन कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये वही रूट है जिससे आए थे। मैं रूट चेंज होने के बाद ऑन करूँगा और जब ज़बरदस्त लोकेशन आ जाएगी। और ये आ गई ऑफ रोडिंग और वाटर क्रॉसिंग भी हो सकती है, पता नहीं मुझे, लेकिन ऑफ रोडिंग तो तगड़ी है। इस रोड पे हमको काफ़ी देर से कोई बाइक ना कोई कार दिखी है अभी तक, हम अकेले ही चल रहे हैं। या तो हम लेट हो गए हैं इसलिए बाकी सब जा चुके हैं जो सुबह सुबह निकलने वाले हैं, या फिर इस रोड पे बहुत ही कम ट्रैफिक होता है। और ड्रोन शूट के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, सॉरी मैं ले नहीं पाया क्योंकि रिमोट ख़राब हो गया है, मोबाइल से वो ठीक से चल नहीं रहा, रिमोट में प्रॉब्लम है, कोलैब मांग रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, मेरा रिमोट बचेगा या नहीं बचेगा, रिमोट नया लेना पड़ेगा, पता नहीं। रिमोट तो मैं नया ले लूँगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। मेरे लाडलो बैटरी चार्ज हो रही है धीरे धीरे क्योंकि ठंड हल्की हल्की शुरू हो गई है। सो जैसे जैसे ठंड शुरू हो रही है लगनी, एनर्जी चार्ज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। जो पूरे रास्ते नहीं किया वो एक काम ज़रूरी है, वो है ये।
I think वहाँ से फिर से रोड स्टार्ट है, लेकिन वहाँ तक खराब पैच है पूरा, और ये आ गया जबरदस्त हिस्सा। मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, ऑटोमेटिक चलेगी। गियर अपने आप रोक लेगा बाइक को, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये छोटी छोटी नॉलेज जरूरी है, क्योंकि अगर बिना इन चीजों के हम चले जाएंगे तो बाइक में कुछ ना कुछ करके लेके आएंगे। अरे टैंक बैग, तेरी जिंदगी झंडे भाई।
ऐसी वाटर क्रॉसिंग, मतलब यार बेस तो हो टायर का, मतलब इतने मोटे मोटे पत्थरों पे से कैसे चलेगा? जब बुलेट हार मान गई तो यहाँ स्कूटी क्या चीज है? जिसके पास है वो लेके आना, जिसके पास नहीं है वो खरीद के मत लेके आना, ठीक है? एंजॉय द राइड मेरे लाडलो भाइयो। मैंने ये राइड सिर्फ ज़्यादातर इसीलिए की है कि मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या लेके आ सकते हो आप। और ये रास्ता पेंगोंग का है जो नूबरा से आता है। और भी वाटर क्रॉसिंग हो सकती हैं, हो सकती है, नहीं होएंगी अभी नहीं पता, इससे भी खतरनाक होएंगी या यही खतरनाक थी सबसे ज़्यादा। देखो इसमें इतने बड़े बड़े पत्थर थे ना, मेरे ख्याल से तो यही सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। पानी का प्रेशर तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब टायर का बेस ही नहीं टिक रहा तो क्या मतलब बाइक क्रॉस कैसे करेगी। और लो एक और आ गई वाटर क्रॉसिंग, अब पता नहीं ये कैसी है, वो तो निकलेंगे तब पता लगेगा। ये तो मजाक है, ये तो मजाक था। देखो ये एक और आ गया मजाक, और इस मजाक के साथ खेलते हुए और अमित लाडला निकल गया आपका आराम से, शौक से, मजे लेते हुए बिना किसी रुकावट के। बस शूज भीग गए हैं, लेकिन हवा के साथ सब सूख जाएगा। चलो साइड में तो नहीं जाया जा रहा, अब इसी लाइन में जाएगी, इसी लाइन में। मजाक सा चल रहा है हर जगह। ले 120 और पानी का तो क्या कहने। मौसम बड़ा शानदार हो गया है और ऊपर बारिश के आसार लग रहे हैं, और साइडों का तो क्या कहना, नदी तो कमाल कमाल लग रही है, कमाल। और रोड बहुत ही छोटा है और बीच में बजरी है। फिसलने का सबसे बड़ा रीज़न है रोड पे, बहुत जल्दी फिसल जाएगी बाइक। अब यहाँ से पेंगोंग 50 के आसपास है, सो पेंगोंग यहाँ से 25 किलोमीटर रह गई है, 25। और ज़िंदगी में पहली बार मैं पेंगोंग जा रहा हूँ, पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी। मज़ा आया देख के, तो खुशी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आपको कुछ मज़ेदार चीज़ मिले तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ हमारी मेहनत ख़राब नहीं गई। और ऊपर से आप मेरे लाडलो, आपको भी दिखाने के लिए मेरे पास अच्छी चीज़ होनी चाहिए ना। एक नंबर की है, मजा आ गया देख के यार, स्वाद आ गए, वाह क्या बात है, अल्टीमेट मजा आ गया, मजा बिल्कुल मजा आ गया देख के, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा सुंदर है, ऑसम, वाह।
क्या बात है यार, व्यू ने तो कमाल ही कर दिया। क्या स्वर्ग है, जन्नत से कम नहीं है ये। मजा आ गया, मजा मजा। थ्री डेट वाले स्कूटर। सो फाइनली हमने ये टेंट ले बुक की है और सामने पेंगोंग लेक है। कितने में किया भाई? 1000 में बुक किया है दो बंदों के लिए। सो अभी मुझे पेट्रोल भी लेना होगा। पेट्रोल 120 का ना? 130 पर लीटर, और वो भी नॉर्मल। सो चलो आपको दिखाता हूँ अभी रूम, मतलब टेंट। ये है भाई, रात को वहाँ तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, थोड़ा ठंड तो लगा था, लेकिन अब पता नहीं आज ठंड लगेगी या नहीं लगेगी। मैंने ऑक्टेन बूस्टर मिला लिया पेट्रोल में, और मैं वो डालूँगा तब टैंक में, जब टैंक बिल्कुल खाली हो जाएगा तब पता लग जाएगा हील में एवरेज क्या दे रही है मेरी जान। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। मौसम देखा ना आपने कितना ख़तरनाक हुआ है। मैं मैगी वगैरह खाया हूँ और रात का कोटा पूरा कर लिया, और आज वाटर क्रॉसिंग वगैरह तगड़ी थी, और कल सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, लाड लो, बाय।